हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 862 प्रॉब्लम डी, अ वाइड वाइड ग्राफ। ठीक है, तो पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेंगे, फिर इसका हम अप्रोच देखेंगे और फिर इसके सोल्यूशन पे जाएंगे। इसमें कौन सा क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ मैं, इसमें यूज करने वाला हूँ मैं बाइनरी डायमीटर ऑफ अ ट्री। ठीक है, डायमीटर ऑफ अ ट्री। अगर आपको ट्री का बेसिक आइडिया होगा तो मैं आपको बता दूंगा डायमीटर ऑफ ट्री कैसे निकालते हैं इसमें। और फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ ट्री के बाद मैं इसमें थोड़ा बाइनरी सर्च यूज करूंगा। ठीक है, तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम में मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये दिया गया है कि आपको एन वर्टाइसेस दिए गए हैं और जो कि ट्री फॉर्म करता है, और उसके बाद बताता है कि आपको एक इंटीजर दिया जाएगा के। आपको के इंटीजर के लिए आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए ग्राफ ट्री है 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको के की वैल्यू जो है 1 से लेके एन तक के लिए हर एक वैल्यू के लिए आपको ये बताना है कि आप एक नोड को दूसरे नोड से तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब उसकी डिस्टेंस मतलब यू और वी को आप तभी कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक नया ग्राफ बनाएंगे जी के, और यू और वी को तभी कनेक्ट कर पाएंगे जब डिस्टेंस ऑफ यू के इज मिनिमम जो है लेस देन या ग्रेटर देन के होगा, तभी आप उस ग्राफ को कनेक्ट कर सकते हैं यू और वी को। तो वो एक ग्राफ बनाएगा और ऐसे बता रहा है कि कितने कंपोनेंट होंगे जब के की वैल्यू कोई 1 होगी या 2 होगी 3 होगी, तो आप इस तरह से ग्राफ को कनेक्ट करेंगे यू और वी। जब ग्रेटर देन या इक्वल टू के है तो उस दो यू और वी को आप कनेक्ट कर सकते हैं और एक ग्राफ बनाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से वो कुछ नंबर ऑफ ग्राफ्स में डिवाइड हो जाएगा जब आपकी के की कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे। तो आपको बताना है कि टोटल कितने ग्राफ कितने कंपोनेंट्स बनेंगे एट अ पर्टिकुलर के लिए। तो आपको हर एक के लिए आंसर देना पड़ेगा, मतलब 1 के लिए भी देना है, 2 के लिए देना है, ऐसे या सो ऑन एन के लिए भी देना पड़ेगा कितने कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, तो बट अब ये है कि एन जो है 10 की पावर 5 रेंज का है, एन की वैल्यू जो 10 की पावर 5 है, तो हर एक के की लिए मुझे लॉग एन में देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 के पावर 5 आंसर हमें जब अगर प्रिंट करना है तो लॉग एन में हर एक आंसर को हमें प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या अप्रोच रहने वाला है और इसमें डायमीटर ऑफ ट्री हम कैसे जान पाएंगे, कैसे लगाना है हमको। ठीक है, तो पहले ये देख लेंगे थोड़ा सा कि डायमीटर ऑफ ट्री होता क्या है। जैसे अगर मान लीजिए कोई ट्री है तो उससे ऐसा दो नोड, ऐसा कोई नोड जो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। जैसे अगर हम इसको 4 को देखें तो 4 का इधर का सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 1 है। बट अगर 11 से मैक्सिमम सबसे मैक्सिमम देखें तो क्या होगा, 6 है। ठीक है, तो 6 और 11 वो दो पॉइंट हैं जिनकी आपस में जो डिस्टेंस है वो सबसे दूर है। ठीक है, तो अगर डायमीटर ऑफ ट्री की बात करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, 6 से लेके 11 का, तो ये दो पॉइंट है, इंड पॉइंट्स आप बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ ट्री के। ठीक है, अगर दो इंड पॉइंट हमें निकालना है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ सोल्यूशन यही है। दो पार्ट में सोल्यूशन को ब्रेक करेंगे, तो पहला पार्ट ये है कि ये 6 और ये 11 निकलेगा कैसे। ठीक है, डायमीटर ऑफ इंड पॉइंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, आप किसी भी एक पॉइंट से मतलब कोई भी रैंडम पॉइंट 1 ही है और उससे आप देख लीजिए जो सबसे नीचे डेप्थ मतलब BFS आप लगा दीजिए। ठीक है, BFS आपको लगाना आना चाहिए इस प्रॉब्लम में। BFS आप लगा के आप ये देख लीजिए मैक्सिमम जो डेप्थ है, ठीक है, वो कौन से नोड का है। तो मैक्सिमम अगर आप डेप्थ देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, फिर इधर देखेंगे 7, फिर यहाँ पे 5, 2 से आप 5 पहुंचेंगे, फिर यहाँ 8 पे पहुंचेंगे और 9 पे पहुंचेंगे, यहाँ पे 4 पे भी पहुंचेंगे, और फिर यहाँ जब 6 पहुंचेंगे तो यहाँ पे 10 पे पहुंचेंगे। बट 10 के बाद भी एक लेवल है 11, तो मैक्सिमम जो डेप्थ हुआ यहाँ पे वो ये वाला पॉइंट हुआ 11। अब इस जो भी आप मैक्सिमम डेप्थ पाए हैं वो वाला एक नोड तो हो ही गया, क्योंकि आप मैक्सिमम डेप्थ आप खुद फील करिए और इसको देखिए। अगर मैक्सिमम डेप्थ है वो, तो इसका मतलब है कि वो एक डायमीटर ऑफ ट्री का एक किनारा है। ठीक है, एक जो है कॉर्नर उसका मिल चुका है हमको ये नोड। ठीक है, आप इसको या स्टार्टिंग बोल दीजिए या तो यू बोल दीजिए। अब ये इस 11 से अगर आप फिर से BFS लगाएंगे, अब जो मैक्सिमम डेप्थ मिलेगा हमको, ठीक है, मैक्सिमम जो डेप्थ मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, हमारा दूसरा डायमीटर ऑफ ट्री का दूसरा एंड पॉइंट। ठीक है, और आपको और अच्छे से पता है अगर करना है इस डायमीटर ऑफ ट्री, कोई ऐसी वीडियो देख लीजिए जो पर्टिकुलरली डायमीटर ऑफ ट्री को फोकस कर रहा हो। ठीक है, तो हमारा बस इतना काम था कि डायमीटर ऑफ ट्री हमको 6 और 11 मिल चुका है, इसका दो एंड पॉइंट्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम अब क्या क्या होता है कि जब डायमीटर ऑफ ट्री के दो एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ ट्री, ऑफ डायमीटर ऑफ ट्री अगर ये आपके पास है,
तो अब प्रॉब्लम कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाएगा कि जैसे आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम कोई ऐसे 1 2 3 4 मान लीजिए, और यहाँ पे कोई 5 मान लीजिए, ठीक है, और इधर 6 7 मान लीजिए, और 8 और इधर 9। तो अब ये प्रॉब्लम इसमें डायमीटर ऑफ ट्री एक होगा 5 और एक होगा 9। अब एक बात, अब आप ऑब्जर्व करिएगा इसको कि इस 5 से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे, मान लीजिए आप एट अ पर्टिकुलर के लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस 5 से अगर आप सबकी डिस्टेंस निकालें तो इसकी डिस्टेंस जैसे 3 की डिस्टेंस हो जाएगी 1, इस 2 की डिस्टेंस हो जाएगी 2, इस 4 की डिस्टेंस हो जाएगी 3, इस 1 की डिस्टेंस हो जाएगी 3। अभी इस 5 से हम डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा हम ये सब क्यों कर रहे हैं, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका एक नोड, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 0, खुद से 0 की, ठीक है। तो ये एक एंड पॉइंट, डायमीटर ऑफ एंड पॉइंट से आपकी डिस्टेंस सारी आ गई। अब इसी तरह अगर आप निकालेंगे दूसरे तरफ से, ठीक है, तो यहाँ 0, फिर उसके बाद ये 1, ठीक है, 5,1। 5,1 क्या बताएगा कि एक एंड से डायमीटर ऑफ ट्री से 5 है डिस्टेंस 7 की, और एक एंड से 1 है, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आएगा 2, ठीक है, और ये आएगा 3, 5,3, और ये आएगा 3, ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा 4, ठीक, और ये आएगा 5, और ये आएगा 5, और ये आएगा 6, ठीक है। तो अब आप देख ध्यान से देखिए, तो आपका यहाँ पे 6,0 है और यहाँ पे 0,6 है। तो इसका मतलब है ना कि दो एंड पॉइंट्स अगर हैं ये डायमीटर ऑफ ट्री के, तो इस पॉइंट से सबसे दूर वाला पॉइंट ये होगा, दूसरा वाला एंड पॉइंट, और इस एंड पॉइंट से दूसरा वाला सबसे दूर होगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पे क्या आया है, ये वाला 0,6 आया, और यहाँ पे 6,0 आया। इससे भी पता चल रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे से सच में मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं। तो अब इससे क्या होगा कि अब देखिए, उसने बोला था ना कि आपको कि के डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, और एट अ पर्टिकुलर के लिए। तो अब ये अगर इस 2 की बात करें तो क्या ये 2 किसी एक ग्राफ, अब हमारा क्लेम क्या है, पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा एक क्लेम करने वाला हूं मैं, और वो क्या है कि हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ ऐसा बनेगा कि हर एक कंपोनेंट में सिर्फ एक ही नोड होने वाला है, एक नोड होने वाला है, बट एक कंपोनेंट होगा जिसमें बहुत सारे नोड आपस में होंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारे नोड आपस में होंगे, बट और जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे इस एक एक कंपोनेंट के अलावा, एक कंपोनेंट होगा जिसमें बहुत सारे नोड्स हैं, बट और जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, और जितने भी, सब एक ही नोड का होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, अब आप यहां से देखिए, यहाँ इस ग्राफ से अगर सपोज मान लीजिए आप, एक सेकंड, हाँ सपोज मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर के लिए आपको बोला गया है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर के लिए हम देखें तो इस नोड से सबसे ज्यादा डिस्टेंस, मतलब मिनिमम के डिस्टेंस पे रहने वाले कुछ इधर ही होंगे, मान लीजिए इतने नोड्स हैं जो मिनिमम के डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, इस वाले नोड से। तो अब इस वाले नोड्स अगर देखें डायमीटर ऑफ ट्री के, तो मिनिमम के नोड्स होंगे, ठीक है, के नोड्स मान लीजिए जो के डिस्टेंस होंगे, ठीक है, वो इस साइड लाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ नोड्स ऐसे मान लीजिए यहाँ पे, और बहुत सारे नोड्स से, तो कुछ जो है कंपोनेंट, कुछ नोड्स जो है जो इससे भी कुछ दूरी पे हैं, इससे भी कुछ दूरी पे हैं, ठीक है, बट इनकी जो डिस्टेंसेज हैं दोनों दोनों मतलब ये जो पेयर्स बनाया है 3,3, ये दोनों ही इसके से छोटे होंगे, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर ग्राफ के आप इस साइड जाएंगे, इस साइड, तो इधर की डिस्टेंस बढ़ेगी किसकी वजह से, ये इस वाले एंड पॉइंट की वजह से। अगर आप ग्राफ के इस तरफ आएंगे तो इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी इसके एक कोऑर्डिनेट की, किसकी वजह से, इस एंड पॉइंट की वजह से। बट कुछ मिड डिस्टेंसेस होंगी, इनके दोनों के बीच में, दोनों एंड पॉइंट के बीच में कुछ ऐसे नोड्स हो सकते हैं जिनकी डिस्टेंस ना तो इधर से के मिनिमम है, के बराबर नहीं है, ना तो इधर से के बराबर नहीं, मतलब इधर से भी के से छोटी है, इधर से भी के छोटी है। तो कुछ नोट्स ऐसे बीच में होंगे। अब एक बार बताइए आप, इन इस वाले चीज को जब आप के से बड़ी थी डिस्टेंस, इनको के से बड़ी थी, तो आप इन सबको आप जोड़ देंगे, ठीक है, उसने बोला है क्लियरली क्वेश्चन में, तो ये हो जाएंगी ऐड, ठीक है, ये हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बट अगर जो डिस्टेंसेस ना तो इधर से मिनिमम के हो पाई ना इधर से, तो वो डिस्टेंसेस मान लीजिए कुछ ऐसी हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नोड्स हैं आपस में। अब एक बार बताइए, जब
जो कोई इधर इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से ही नहीं बन पाया है इसकी डिस्टेंस के, ना तो इट्स इंड पॉइंट से ऑफ डायमीटर से बन पाया है, वो आपस में कैसे बन सकती हैं के से ग्रेटर? ठीक है, तो आपस में तो के से ग्रेटर हो नहीं सकती, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस के से ग्रेटर तो हो नहीं सकती उस समय। तो इसलिए क्या होगा कि वो सभी जो है अलग अलग कंपोनेंट ही बनाएगी, कोई दो नोड ऐसा नहीं होगा जिनके बीच की डिस्टेंस के हो, क्योंकि जब इधर से इस एंड पॉइंट से ही नहीं बना पाया, ये डायमीटर के इस एंड पॉइंट से ही नहीं बना पाया, तो आपस में तो बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब ये सब आपस में अलग अलग नोड होंगे, तो आप यहाँ पे खुद देखिए कि ये सभी क्या हो गए, एक एक नोड के कंपोनेंट्स हो गए, और हमारा एक ग्राफ जो है जो बहुत सारे कंपोनेंट्स में टूट गया, मतलब बहुत सारे कंपोनेंट में टूट गया, तो बाकी सब एक एक नोड्स के हैं, और बट एक ग्राफ ऐसा है जो बहुत सारे नोड से भी मिला हुआ है। ठीक है, तो अब ये कैसे आप निकालेंगे, जब आप ये जो आप ये पेयर निकाले थे, ठीक है, तो अब हर एक थ्री के लिए आप सोचेंगे ना कि इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी नोड से कितनी है, या तो वन होगी या तो फाइव होगी, तो फाइव होगी अब इससे बात है। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो गया, सिक्स होगा तो सिक्स होगा, ठीक है, इस वाले नोड से। तो हर एक नोड के लिए आप मैक्सिमम डिस्टेंस निकालेंगे, और मैक्सिमम डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, आप क्या क्या करेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आपने क्या क्या निकाला था, दोनों एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर निकाल लिया था, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, अगर आपको नहीं अभी भी पता चल रहा है तो कोई वीडियो आप देखिए, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आप निकाल लिए। इन पॉइंट्स ऑफ डायमीटर निकालने के बाद क्या किए, आप दो डिस्टेंस वेक्टर बना लीजिए, दो डिस्टेंस वेक्टर, डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू। ये क्या बताएगा डिस्टेंस वन, कि आयत पॉइंट जो डायमीटर का जो इंड पॉइंट है, मान लीजिए यू और वी दो इंड पॉइंट्स में मान ले रहा हूं, तो आईथ पॉइंट यू वाले से कितनी डिस्टेंस पे है, तो सिंपली आप इस पे क्या लगा दीजिएगा, बीएफएस लगा दीजिए, लेवल पे डिसाइड कर लीजिएगा कितनी कितनी दूरी पे कौन कौन से पॉइंट है, तो यहाँ पे बीएफएस से फिर से यहाँ पे बीएफएस लगा दीजिएगा, और ये वाला बताएगा कि आईथ पॉइंट का जो ये क्या है, ये डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, कहाँ से, यू से, तो ये बताएगा आईथ पॉइंट का डिस्टेंस वी से कितना है, वी और यू क्या है, दो इंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। जब ये दोनों आ गए, तो अब एक डिस्टेंस आप एक अलग से एक वेक्टर बनाइए जो कि बताएगा मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस वन, किसी भी आईथ पॉइंट का डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू, ठीक है, डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू का जो भी मैक्सिमम होगा वो उस नोड का बता रहा है कि कोई एक ऐसा नोड एग्जिस्ट करता है जिससे उसकी डिस्टेंस उतनी है। ठीक है, जैसे अगर आप इस ग्राफ में देखिए, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टू पे देखेंगे तो टू का क्या है, फोर कमा टू कमा फोर, तो फोर होगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम फोर है, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा नोड है जो टू तक का डिस्टेंस फोर देता है, तो वो कौन सा नोड है, ये वन टू थ्री फोर, तो नाइन एक ऐसा एंड पॉइंट है जो इसकी डिस्टेंस फोर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो हमारा ये है, ठीक है, डिस्टेंस है, उसके बाद हम क्या करें, उसको फिर जो भी डिस्टेंस आया है हमारा उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च हमें क्योंकि लगाना है एट द एंड, क्योंकि हमें लॉग एन में ऑपरेशन में हमें देना है कि उसकी, अब क्या करेंगे जब हम सॉर्ट कर चुके हैं, ठीक है, डिस्टेंसेस को हम सॉर्ट करेंगे, हम ये देखना चाहेंगे कि कितनी डिस्टेंसेस हैं जो उस केस से लेस हैं, और अगर के से लेस हैं तो आपको पता है कि वो एक एक नोड में एक एक नोड का कंपोनेंट होगा, और जो डिस्टेंसेस के से बड़ी हैं, ठीक है, या के इक्वल हैं, तो इसका मतलब वो सिंगल एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर क्या होने वाला है वो देखिए, अगर आप सॉर्ट कर देंगे, क्या किसको सॉर्ट करना है आपको, डिस्टेंस को, डिस्टेंस एरे को, और ये डिस्टेंस एरे निकला कैसे था, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस वन आई, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ आई कैसे निकला था, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस वन आई और डिस्टेंस टू आई, इन दोनों से निकला था। अब डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू कैसे निकले थे, ये निकला था लेवल ऑर्डर ट्रेवल करने के बाद, कि जैसे ये है, अगर आपको ये देखना है, जैसे इसका लेवल कितना है, जीरो, तो यहां पे इसका डिस्टेंस जीरो, बट इसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वन, इसी पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और एक लेवल, ठीक है, एक लेवल दो लेवल, तो दो हो जाएगा इसका, इस इधर एक लेवल दो लेवल तीन लेवल, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल से आप निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू कहां से, दो दोनों एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से। ठीक है, तो ये कहां से निकले हैं, दोनों एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, आप एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से आप ये निकालिए। अब जब ये सॉर्ट करने के बाद आ गया है आपका, ठीक है, तो अब ये सॉर्ट करने के बाद जो एरे बना होगा, ठीक है, अब उस एरे को आप जब सर्च
किसी पर्टिकुलर के लिए आप मान लीजिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप देखेंगे उस पर लोअर बाउंड लगा सकते हैं उस आयरे पे। अब लोअर बाउंड आपको वो इंडेक्स दे देगा कि जहां पे वैल्यू मिनिमम के या के से बड़ी है, तो इसका मतलब के से और जो भी इंडेक्स हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, अगर जीरो बेस इंडेक्सिंग हम माने, तो अगर ये इंडेक्स है तो जीरो से लेके इंडेक्स माइनस वन, तो ये कितने नंबर्स हैं जो के से छोटे हैं उनका डिस्टेंस, तो इंडेक्स डिस्टेंस, इंडेक्स नोड्स होंगे जिसका डिस्टेंस आपस में या कहीं से भी के से बड़े नहीं हो पाए हैं या के बराबर भी नहीं हो पाए हैं, ठीक है, तो के डिस्टेंस इंडेक्स जो है, इंडेक्स नोड ऐसे होंगे, ठीक है, आई एन डी नोड्स ऐसे होंगे जो के से डिस्टेंस उनकी मिनिमम है किसी भी नोड से, तो उतने तो अलग अलग कंपोनेंट मैंने बताया आपको बनेंगे, एक एक का बनेगा और इसका एक बनेगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे किसी भी पर्टिकुलर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर के लिए आपको क्या करना है, लोअर बाउंड लगाना है किस पे, लोअर बाउंड आपको डिस्टेंस पे लगाना है और आपको उसमें के वाला के पास कर देना है, यहां से एक इंडेक्स आएगा, ठीक है। अब ये इंडेक्स बता रहा है कि यार इतने एलिमेंट्स हैं जो कि के डिस्टेंस नहीं अचीव कर पाए हैं, प्लस वन हो जाएगा क्योंकि हम एट अ पर्टिकुलर के लिए यही आंसर होगा कि इंडेक्स प्लस वन, ठीक है। इंडेक्स कैसे निकलेगा, लोअर बाउंड ऑफ डिस्टेंस और के, डिस्टेंस कैसे आया है, डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू का मैक्सिमम करके, डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू कैसे आया है हमको पता है एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से, जब हम उसकी हर एक नोड का डिस्टेंस निकाले हैं, ठीक है, तो इंडेक्स प्लस वन, ये इंडेक्स क्या बता रहा है कि इतने नोड्स हैं जो कि इनकी वैल्यू के से छोटी है, किसी भी नोड से के से डिस्टेंस छोटा है उनका, और प्लस वन बता रहा है कि जो रेस्ट ऑफ वो है उनका आंसर वन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, चलते हैं इसके कोड को देख लेते हैं, ठीक है, कोड तो थोड़ा हो सकता है लेंथी, कोड आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सब इनिशियलाइजेशन मैंने कर लिया है, ठीक है, और फिर यहां से हमने क्या कर दिया है, अगर कोड के आप इस पार्ट में देखेंगे, हम पहला वाला निकाल रहे हैं, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे हम BFS चला के तो उसका लास्ट नोड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये जैसे ग्राफ, ये ट्री है, तो किसी भी वन से चला के एक एंड पॉइंट निकाल लिए BFS से, तो वो एंड पॉइंट निकालने के बाद हम उस एंड पॉइंट से हम क्या करते, हम उस वाले एंड पॉइंट से अगले एंड पॉइंट की तलाश करते, तो हम दूसरा BFS लगा दिए हैं, तो इसको यू बोल दिए और जो दूसरा वाला आ रहा है उसको हम लास्ट नोड बोल दिए, ठीक है, लास्ट नोड ये हमारा हो गया और ये यू हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, बस हर एक नोड का इस लास्ट नोड और जो हम यू फर्स्ट नोड है उन दोनों से डिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है, हर एक नोड की। तो हमने क्या कर दिया, ये जब कर लिया तो फिर एक डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू बनाया, और फिर बस उसके बाद हमने एक सॉल्व फंक्शन बनाया है जो कि उस नोड से हर एक नोड का डिस्टेंस बताएगा, एंड पॉइंट वन और एंड पॉइंट टू दोनों को हम भेज दिए, और डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू, ठीक है, और फिर एक डिस्टेंस बनाया जो कि मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस वन और डिस्टेंस टू है, और सॉर्ट करके फिर उसके बाद हम लोअर बाउंड जो हम बोले हैं आपको वो लगा दिए, और अगर इंडेक्स अगर एन से छोटा है तो इंडेक्स प्लस वन, अगर एन के बराबर ही हो गया, मान लीजिए सारे कंपोनेंट्स ही, वो लोअर बाउंड यहाँ आ गया तो सारे कंपोनेंट्स ही वन वन में ब्रेक हो जाएंगे, अगर आखिरी में आया है मतलब, ठीक है, तो इसका मतलब कोई कंपोनेंट बचा ही नहीं है, ठीक है, जब कोई कंपोनेंट इधर बचेगा नहीं इसलिए हम वन ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर एन हो जाएगा, ठीक है, बस ये था। और सॉल्व फंक्शन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, अगर आपको देखना है ये, आपने सीधा क्या किया, कैलकुलेट सॉल्व फंक्शन में, सॉल्व फंक्शन में आपने डिस्टेंस वेक्टर भेजा, एन भेज दिया है, नोड भेज दिया है, नोड की डिस्टेंस वन में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बट बाकी फिर आप वही BFS चला लेंगे और BFS से हर एक नोड का आप देख लेंगे कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, कौन से लेवल पे वो आ रहा है, ठीक है, बस इससे डिस्टेंस वन बन जाएगा, इसी तरह डिस्टेंस टू बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऑन, थैंक यू।